मेरे खिलाफ साजिश थी। अब गए इसलिए? कोई मेरी फीलिंग को तीन अक्षरों में कैसे समझ सकता है? ये एक कविता की तरह से भावात्मक एन अनकंट्रोलेबल अर्ज। Am I drunk? Not yet. Then I'll have one more. देखो मैं यहां बाहर का आदमी समझा जाता हूं, एन आउटसाइडर। उर्दू बोलने वाले शहर में मराठी सिखाता हूं, शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूं। ब्रेकिंग स्टोरी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ टीवी जर्नलिस्ट एक प्रोफेसर का घर में जबरदस्ती घुस गया एंड दे फिल्म्ड हिम हैविंग सेक्स विद द रिक्शा पुलर। प्रोफेसर सिरास के बारे में 2 मिनट्स बात करना था, एक स्टोरी करना। आई डोंट वांट टू टॉक टू द मीडिया। होमोसेक्सुअलिटी को प्रैक्टिस करना, वो भी यूनिवर्सिटी प्रमाइसेस के अंदर, हराम माना जाता है। आपको कमरा खाली कर रहा है, बैचलर आदमी नहीं चाहिए। तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है? अरे होता होगा। तुम लोग ये शब्द के पीछे क्यों पड़े जाते हो? कभी लव को भी समझने की कोशिश किया करो। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। क्या प्रोफेसर सिरस अपना बिजनेस बाहर खेल के मैदान में कंडक्ट कर रहे थे? व्हाट बिजनेस डू नेबर्स हैव लुकिंग इनटू समवनस बेडरूम? You have to fight it out, Mr. Siras. क्या करना होगा मुझे?